हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैकेनिकल नॉलेज। कैसे हो आप सब लोग? तो आज का टॉपिक है रैंकाइन साइकिल विच इज़ कॉल्ड द वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑल्सो। रैंकाइन साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो अभी रैंकाइन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो रैंकाइन साइकिल क्या है? हम लोग पावर प्लांट की बात करते हैं ना, पावर प्लांट जो कोल फायर पावर प्लांट होते हैं ना, उस पर वर्क करता है ये साइकिल, उसी पे काम करता है। विच इज़ यूज बाय वाटर टू गिव सम अमाउंट ऑफ हीट टू वाटर एंड देर विल बी जनरेटेड ऑफ स्टीम। इट विल बी यूज एंड गिवन टू द टर्बाइन, देन टर्बाइन विल रन एंड गिव आउटपुट, वर्क आउटपुट। मतलब कि हीट इनपुट हो रही है, ठीक है, और वर्क आउटपुट मिल रहा है हमको। तो रैंकाइन साइकिल का काम यही होता है। रैंकाइन साइकिल बेस्ड है अपने कोल फायर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जितने हैं उस पर रैंकाइन साइकिल वर्क करता है। अभी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, इस पर लगा होता है पंप, ठीक है। यहाँ जस्ट सपोज पंप लगा होता है, पंप से अब बॉयलर है, तो बॉयलर यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, बॉयलर, ठीक है, बॉयलर लगा है। यहाँ पर हीट इनपुट हो रही है, यानी कि हीट यहाँ पे ले रहा है बॉयलर। बॉयलर से कहाँ जाता है? बॉयलर से जाता है टरबाइन में, यहाँ लगा होता है टरबाइन, ठीक है, टरबाइन लगा होता है। टरबाइन का क्या काम है? अब टरबाइन बॉयलर से आया, ठीक है, टरबाइन हम लोग पहले प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ लगा होता है टरबाइन, ठीक है, टरबाइन से हमें वर्क आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। अब टरबाइन से क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपांशन वॉल लगा होता है, एक एक्सपांशन वॉल, फिर उसके बाद लगा होता है एक यहाँ पे एक्सपांशन वॉल लगा होता है, जो थ्रॉटल वॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ठंडा करता है एक सम अमाउंट में, एकदम पतली सी ट्यूब होती है, तो उससे जब कोई भी पतले से कोई भी बड़े से जगह से कोई पतले से जगह से कोई अगर हम वाटर को पास कर रहे हैं तो क्या होता है, इसकी हीट जितनी होती है इलेबरेट हो जाती है फटाक से, और वो कूल डाउन जल्दी से होता है। तो एक्सपांशन वॉल से यहाँ पे जाता है कंडेंसर में। अब यहाँ लगा होता है कंडेंसर, कंडेंसर तो आप लोगों को पता ही है रेफ्रिजरेशन में कंडेंसर, कंडेंसर का क्या काम है, ठीक है। अब कंडेंसर लगा है, कंडेंसर से वापस से ये वाटर जो है पंप्स के थ्रू फिर से बॉयलर में जाएगा। तो ऐसे ये पूरा का पूरा जो वर्किंग साइकिल है इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। जैसे पंप से वाटर ये ले रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ से अभी यहाँ से हम लोग इस वाटर को हीट कर रहे हैं। बॉयलर में क्या होगा? वाटर होगा। अब वाटर जैसे ही यहाँ पे हीट होगा ना, एज हीट होने के कारण क्या होएगा, यहाँ से स्टीम जनरेट होगी। इतने हाई अमाउंट में हीट होता है, यहाँ से स्टीम जनरेट हो जाती है, स्टीम मतलब भाप। तो जब स्टीम जनरेट हुई तो ये टर्बाइन क्या करेगा, अब ये ठीक है टरबाइन में जैसे ही स्टीम जाएगी तो टरबाइन ब्लेड्स मूव करेगी, मूव करने के कारण यहाँ जनरेटर लगा होगा, तो यहाँ मूव करेगा जनरेटर, इससे कनेक्ट होगा, जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये टरबाइन यहाँ पे घूम रहा है। अब जितनी अमाउंट में हमको चाहिए एनर्जी वो तो हम ले रहे, और जो बचती है, जो एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी बचती है, वो एक्सपांशन वॉल के थ्रू और यह कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर का क्या काम है कि कंडेंस करना है, हीट को कंडेंस करना। अब यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है गाइस, हीट रिजेक्शन हो रहा है या हीट एडिशन हो रहा है, हीट इनपुट हीट आउटपुट, ठीक है, वर्क आउटपुट की बात नहीं कर रहे, वर्क आउटपुट जो हमें मिला, ठीक है, यहाँ हीट आउटपुट की बात कर रहे हैं, यानी कि हीट रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंडेंसर क्या कर रहा है कि हीट को इलेबरेट कर रहा है, हीट को खींच रहा है बाहर और कंडेंस कर रहा है, मतलब स्टीम को वाटर फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर रहा है। वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंसर का काम यही है कि हीट को रिजेक्ट करना और उसको कंडेंस कर देना, वाटर को वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना। तो पंप लगा जो होता है, ये पंप से वापस से हमारे बॉयलर में जाता है। तो इस तरीके से वर्किंग होता है। दिस इज़ कॉल्ड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल एंड वी कॉल्ड दी VCR साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये पूरा का पूरा जो है इसी तरीके से रेफ्रिजरेशन में भी काम आता है और हर एक पावर प्लांट में काम आता है, थर्मल पे ये साइकिल जो है वर्क करता है, रैंकाइन साइकिल इज कॉल्ड VCR। जैसे कि मैंने बताया कि ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो है यहाँ से
वर्किंग करेगा तो इसकी हर एक चीज़, तो बॉयलर भी हर एक टाइप का बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, यू ट्यूब बॉयलर वगैरह अलग अलग, तो बहुत सारे टाइप के बॉयलर्स होते हैं, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ बॉयलर्स क्या है, टाइप्स ऑफ बॉयलर्स कौन से होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, 6-7 टाइप के बॉयलर्स होते हैं। तो टर्बाइन भी अलग होते हैं, टर्बाइन भी टाइप्स के होते हैं, फ्रांसिस टर्बाइंस, रैंकाइन टर्बाइन, ठीक है, एंड अलग अलग टर्बाइंस है, तो हम लोग सब देखने वाले। तो फिलहाल तो ये था कि किस तरीके से हमारा जो है रैंकाइन साइकिल वर्क करता है, विच इज़ कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट साइकिल। तो ये था कि किस तरीके से वर्किंग होती है इसकी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एलैबोरेट करके हम लोग समझेंगे वहाँ पे। और बेसिक जो हम लोग साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिक हम थियरी लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से वर्किंग होता है यहाँ पे, किस तरीके से काम होता है। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, हम लोग कभी अगर हम लोगों को ऐसा टाइम मिले तो हम प्रैक्टिकली भी जाएंगे इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर, क्योंकि इस चैनल को ग्रोथ जल्दी करना है, क्योंकि जस्ट पिछले वाला जो चैनल था वो बंद हो गया, और बंद होने के कारण हम बहुत पीछे हो गए। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का हेल्प चाहिए इस चैनल को आगे मूव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच।